एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। फिलहाल जो है भाई एक मामला उछल गया आया है जिसमें कि हमने भी न्यूज में देखा है और सुनने में यही आ रहा है कि भाई प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक मर्डर होया है भाई का, और इसकी तय तक जाने के लिए आज हमें पट्टी कलियाणा गांव में, हरियाणा के पानीपत का पट्टी कलियाणा गांव है, तो वहां आए हैं। जो भाई यहाँ रवि नाम था ना भाई का, जिस भाई का रवि का यहाँ मर्डर हुआ है, तो हमें रवि के परिवार वालों के पास आए हैं और ये हमारे पास उनके चाचा जी बैठे हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और भाई मामले की तय तक जाने की कोशिश करेंगे। तो राम राम जी। राम राम भाई जी। एंडी छोरा गौतम न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी आने पे। तो ये जो पूरा मामला एक बार संक्षेप में बताओगे, क्या कुछ हुआ, कैसे ये मर्डर हुआ, क्या मतलब बात थी? बस पूरा मामला तो यही है, जैसे कई दिनों से चल रही है न्यूज पे भी और गांव ने भी पता है, भाई रवि की घरवाली जो है उसके साथ में उसके कुछ थे संबंध, उसी कारण वो यहाँ से मकान बेच के अपने वहाँ उधर ले गया, उनको मकान दिलवाया वहाँ ताकि कोई रोक टोक ना रहे। इस मामले में लगभग 2 साल पहले मेरे भतीजे दूसरे उन्होंने जो है इसके भाई मेसू पहलवान को भी बताई, भाई ऐसे ऐसे बात अपने भाई को रोको, लेकिन उसने रोकने की बजाय उसके भाई ने जो है ना यहाँ से अपना उसका मकान ही बिकवा के उधर ले गए। और अब वही बात है, कुल मिला के बात यह भी आपको पता ही है भाई उन्होंने ऐसा कांड कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 6 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं। तो मतलब ये आपको कब पता चला? उन्होंने बताया आके या मतलब पुलिस ने खोजबीन करके उसको मतलब ट्रैक करके नंबर तब पता लगाया है भाई वहाँ? ये किसी ने कोई ऐसा वो नहीं करा जी। एतवार को वो घर से निकला 11 तारीख को 3 बजे, और उसके बाद सोमवार को सवेरे लगभग 5 बजे रवि की घरवाली जो अपने घर गई हुई थी अपने माँ बाप के साथ आई, आके रवि की माँ के साथ में तू तू मैं करी, भाई वो गया हुआ वो लापता हो गया, तुम अपने घर में सो रहे हो, ये जो के मतलब वही बात है, अभी एक रात कोई बड़ी बात नहीं होती। जो आदमी काम धंधे के लिए जाता है, गाड़ी घोड़ा देखने जाता है, कहीं रुक भी सकता है, लेकिन सवेरे आकर जब उसने वो किया, जैसे हमारे को पता लग गया तो उसी टाइम से हमारा दिमाग घूमा, वे कोई ना कोई कहानी है, हो सकता है कोई कांड हो चुका हो, और वाकई में कांड हो चुका था उस टाइम तक, जिसका उसको पूरा पता था। फिर भी हम थाने में गए, थाने वाले कहने लगे 24 घंटे बाद हम आपकी FIR लॉज करेंगे। तो 24 घंटे बाद उन्होंने FIR लॉज की, पुलिस ने कोई कार्रवाई ना उस टाइम की और ना कोई पुलिस कार्रवाई उनके खिलाफ अब कर रही है। हमने पुलिस कहने लगे भी आप तलाश करो, जहाँ जहाँ भी जो भी माध्यम था उस माध्यम से हमने तलाश भी किया, पंपलेट छपवा गए, पंपलेट भी लगवाए, हर तरह से हमने वो किया। संडे को 18 तारीख को नहीं शनिवार को 17 तारीख को हम चौकी में गए दोबारा, जाके हमने क्लियर नाम भी लिया, भाई रवि की घराली और पीना जो है उसको उठाओ, उनसे पूछताछ करो, हमारे को शक है पूरा भाई इन्होंने कुछ ना कुछ कांड किया उसके साथ। उसके बाद संडे को दोपहर बाद पुलिस का फ़ोन आता है, भाई आप लोग चौकी में आ जाओ। चौकी में गए तो वहाँ से फ़ोन आता, भाई SHO साहब बुला रहे हैं थाने में चलो। थाने में जाने के बाद हमारे को बताया गया भाई रवि की घरवाली ने और पीने ने इन्होंने आपके भाई को ख़त्म कर दिया, मेरा बड़ा भतीजा जो है उसको बताइए। उसके बाद जो कांड है सभी को पता ही है, भाई पुलिस उसको लेकर आई, डेड बॉडी निकलवाई, तो लेकिन पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा और कोई भी किसी तरह की निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। तो भाई देखो, प्रशासन से अनुरोध है कि देखो जो भी होया है यहाँ ये बहुत गलत होया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब ऐसा होने से इस परिवार का तो नाश हो लिया बेचारे का, लेकिन नाश उनका भी हो लिया। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं इस पर? 6 जी 5 लड़कियां बड़ी 1.5 साल का लड़का। अच्छा देखो 5 लड़कियां हैं और 1.5 साल का लड़का है, तो उनका क्या हाल होगा भाई? और प्रशासन से अनुरोध है कि देखो इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो जैसे कि हमने सुनने में आया है, हमने वीडियो देखी थी, तो मैं सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो रवि था वो मेरे भाई को ब्लैकमेल कर रहा था और 7-8 लाख रुपए वो ले भी चुका था, और अब भी उसकी गाड़ी
फाइनेंस वालों ने उठा ली थी। हाँ, और वो अब फिर मेरे भाई से 3 लाख रुपया मांग रहा था, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सरासर झूठा आरोप है। मेरा भतीजा रवि जो है लगभग 1 महीना उसके इलेक्शन में रहा, उसने वहाँ वही बात अभी झूठे कब भी उठाए, ओके भी भरे, जैसा भी वो था वैसा किया, अपनी गाड़ी उसने खड़ी कर दी, किस्त के पैसे थे नहीं, फाइनेंस वाले उसकी गाड़ी ले गए उठा गए। अगर उसके पास पैसे होते तो क्या वो अपनी गाड़ी को जाने देता? कोई भी आदमी अपना रोजगार ख़त्म नहीं करता, पहले अपना रोजगार देखता। ये सरासर झूठा आरोप है। तो भाई देख लो, अब आप उनके चाचा हो ना रवि के, तो ये जो भाई भाई मतलब अभी गुजरा है जिसका मर्डर हुआ है, ये उनके चाचा जी हैं, और ग्रामीण भी बैठे हैं, तो थोड़ी बातचीत ग्रामीणों से भी कर लेते हैं। तो जी राम राम जी। राम राम जी। ये जो रवि था ये किस तरह का बच्चा था जी? अच्छा बच्चा था जी, किसी प्रकार का दारू सुल्फे का कोई पान बीड़ी का किसी का कोई ऐप नहीं था जी, कोई भी ऐप नहीं था। तो मतलब आपके हिसाब से भी आपने भी पता है भाई बच्चा अच्छा था, तो ये जो कांड होया है ये सरासर गलत होया है? हाँ गलत होया जी। तो प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहोगे आप? भाई ये है जी, मेरे को न्याय मिलना चाहिए इस बात का। आप भी आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस मामले में और प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहोगे? हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं और बार बार आप भी कर रहे हैं कि हमें जो है ना न्याय मिलना चाहिए और इस परिवार की समाज की संतुष्टि होनी चाहिए, ना दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, पूरे का पूरा वेरीफाई होना चाहिए। हमारा यही अनुरोध है सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़ कर रहे हैं। राम राम। आप क्या कुछ कहना चाहोगे जी इस मामले में? बस जो भी हुआ है जी गांव के अंदर गलती हुआ है जी, जो भी कहानी बीती है जी, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए जो इस गांव में हुई है जी। तो इसी के लिए अनुरोध करते हैं इनको, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जी, और ऐसी घटना कभी आगे घटनी नहीं चाहिए गाँव के अंदर, और ये बहुत बुरा हुआ है जी इन बच्चों के साथ। तो ये फादर साहब होंगे? अच्छा 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 जी अच्छा। तो थोड़ा आप इधर आ जाओ एक बार। तो भाई देखो, ये चौकी समाज के प्रधान है, क्या नाम है आपका? मुन्ना राम। कहाँ से हो? अच्छा जी। तो यहाँ पे हमारे साथ जोगी समाज के प्रधान जी भी बैठे हैं, मुन्ना राम जी। तो मुन्ना राम जी से भी बात कर लेते हैं। मुन्ना राम जी, राम राम। राम राम जी। राम राम। तो आप जैसे जोगी समाज के प्रधान हो, तो आप अरपट्टी कलियाना से ही हो, तो आपको तो पता होगा बंदा कैसा था कैसा नहीं था, वो बंदा कैसा है ये बंदा कैसा है। मंदर पहले भी मंदर व्रत रखा जी, ये धर्म सिंह दौड़ा रहे करता हमारे हमारा मौके का, और 10 साल इन्ना गुंडागर्दी करी इसके भाई ने, जो मेड होता है घर का वो करना नहीं संभाल सकता, क्या इसको पता नहीं था? भाई चलो सरपंच तो बना दिया, पर उन्होंने थोड़ी बना भाई आदमी ने काटी और वो करियो, ना इन हिंदू छोड़े जी ना मुसलमान छोड़े, कब्रिस्तान होगा मुसलमानों की हैं, अरे इन हिंदुओं की कब्रिस्तान बनवा दी हैं, तो फिर ये निकल लिया हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी ढंग सर, क्यों हम भी आ जाए जी थोड़ा सा। अच्छा, जो मर्डर किया गया वो मतलब कुछ जहर वगैरह दिया गया या कुड़िया से या किसी हथियार से काटा गया? कुड़ियों से काटा जी, उसका सब लिंग पिंग सब कुड़ियों से काट रखा, क्या एक आदमी का काम नहीं थी इसके, वो भी ऐसे ही है, इसमें और का भी हाथ है जी। हाँ प्रशासन पूरा काम नहीं कर रहा, वो किला थोड़ी बस मार सका था जी। हाँ एक बंदा तो किसी की, हाँ ये तो आप भी जानो, एक आदमी के बस मार जाएगा है। तो ये जनानी हमने नहीं बेरा जी, इसने मकान भी धोया, क्यों धोया अपने पास मकान तो ये रेन के हैं, सूद पूछ गए इन्हें, मतलब अपने ना पूछ आंदे सूद आंदे अपनी लड़ाई ने। तो अच्छा, जो जिस दिन ये कांड होया 11 तारीख की बात है ना वो, तो जिस दिन ये कांड होया उस दिन उसके घरवाली यहाँ मौके पर थी या वो अपने घर जा रही थी? अपने घर जा रही थी, बापुल्ली की आया। अच्छा, बापुल्ली की।
दोनों का संपर्क फोन पे चल रहा था, पीने का और उसकी घरवाली का जी। तो जो ये कांड पूरा हो गया तो उसके बाद सोमवार को सवेरे 5 बजे के आसपास वो गांव में आई अपने माँ बाप को लेके। और आने के बाद उसके माँ बाप कहीं भी मतलब तलाश करने के लिए नहीं गए, जबकि ये हमारे भतीजे हैं, एक हमारा भांजा, दिन रात भागे घूमे। तो उनका इतना भी वो नहीं हुआ भाई गाड़ी में बैठ के इनके साथ चले ही जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत है। तो अभी दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, हिरासत में दिखावे के लिए हिरासत में है जी। पुलिस बिल्कुल लिपापोती कर रही है। कल शाम को एसएचओ साहब ने कहा कि भाई इसने अकेले ने यह काम किया, अपने इधर वाले घर में इसका मर्डर किया, उसके बाद कट्टे में डालकर स्कूटी पर रखा और फिर ले जाकर वहाँ दफनाया। जबकि एक आदमी का काम नहीं हो सकता, 3 कुल्हाड़ी उसके सर में लगी है, एक यहाँ कान के नीचे लगी हुई है, पेट में उसके कुल्हाड़ियाँ और शरीर मतलब पर्दे पर उसके कुल्हाड़ियाँ लगी हुई है। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। सरपंच को इसकी पूरी जानकारी थी, पूरी मामले में सेटिंग बिठा गए, उसके बाद उस अपने भाई का नाम उजागर कर। तो भाई प्रशासन से यही अनुरोध है कि देखो जैसे ये बता रहे हैं भाई ये